तो जैसे कि आपको पता है कि 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को, और 26 जनवरी को हमारा संविधान बना था, क्योंकि 15 अगस्त को आज़ादी का जश्न था, अंग्रेजों से हमें आज़ादी मिली थी, पूरे देश भर में जश्न मनाया गया। ठीक इसी जश्न को हमने 26 जनवरी 1950 से भी शुरू किया, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान, हमारे देश का कानून बना। इन दोनों दिनों को बड़े उत्सव की तरह त्योहार की तरह पूरे देश में मनाया जाता है। लेकिन अफसोस की बात है कि 16 अगस्त को और 27 जनवरी को यही जो तिरंगा है, जो झंडे हैं, ये हमें गलियों में या रास्ते में ऐसे पड़े हुए मिलते हैं। यही झंडे, यही तिरंगा 15 अगस्त तक बाजारों में, आपके घरों गलियों में, रेड लाइट पर खूब धड़ल्ले से बिकते हैं, और हमें अपने देश और देश प्रेमी स्वतंत्रता सेनानियों की याद दिलाती है। तो मेरा एक मैसेज है उन सभी लोगों से, आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि आप भी अपने घरों में जाएं, आपके भाई हैं, बहन हैं, मम्मी हैं, पापा, चाचा, सभी को अभी मैसेज दें कि अगर झंडा, तिरंगा संभालने की हिम्मत ना हो हमारे अंदर, तो कृपया इस झंडे को खरीदना, क्योंकि अच्छा लगता है मार्केट में ये झंडे अच्छे लगते हैं, गली वगैरह में जब ये झंडे लहरा रहे होते हैं, लेकिन उतना ही गंदा लगता है जब आप इसे संभाल नहीं पाते। तो पहली चीज़, ये रोड में, सड़क में, नाले में या कूड़ेदान में पड़े हुए ना मिले। अगर गलती से आप कहीं देखो तो इसे संभाल करके किसी ऊंची जगह पर लगाएं। एक और चीज़, आपने देखा होगा 15 अगस्त 26 जनवरी को एक और गंदा रिवाज है, कोई बच्चा बताएगा वो गंदा रिवाज है क्या? पतंग। यस, पतंग उड़ाना। ये पतंग उड़ाना आज़ादी ने कोई लेना देना नहीं, पतंग उड़ाने का संविधान से कोई लेना देना नहीं। तो कृपया अपने आसपास, पड़ोस में अपने बड़े भाई बहनों को या खुद को आप रोकें, पतंग उड़ाने से रोक दें। हम आपको पतंग उड़ा करके आपकी आज़ादी छीनना नहीं चाहते, लेकिन इतना संदेश है कि जब आप पतंग उड़ाते हैं तो उसका मांझा बहुत खतरनाक होता है, कई लोगों के गले कट जाते हैं, कई चिड़िया पक्षी आप आसमान में से जो पतंग दिखता है वो उसे खाने का सामान समझती है और उसके ऊपर झपटती है और अपनी जान खो देती है। कई लोग आपने देखा होगा कि वो मांझा इधर उधर पड़ा होता है, जिसके कारण कभी फंस जाता है, छोटे छोटे बच्चे एक ने इधर से खींचा, इधर इधर से खींचा, और कई दुर्घटनाएं, हादसाएं होती है। तो कृपया पतंग नहीं उड़ाना है पहला काम, और दूसरा काम क्या निकलना है, तिरंगे को नीचे ना गिराना, और अगर कहीं पड़ा हुआ मिले तो उसे क्या करना है, किसी ऊंचे जगह पर उसे रख दें, ताकि हमारे देश का झंडा लहराता रहे। मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की जय।